सो हेलो एवरीवन, ये है पीएनबी ग्लिट्स के क्वार्टर टू के रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस शेयर के रिज़ल्ट कैसे रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम इस शेयर के यहाँ पर टोटल इनकम से। तो ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो 33,948 लाख थी, जो अब क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर 34,681 लाख यहाँ पर हो गई है। यानी क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो इंक्रीज़ होते हुए हमें यहाँ पर देखने को मिली है। टोटल एक्सपेंसेस की यहाँ पर बात कर लेते हैं, 33,983 लाख इस शेयर का जो है ईयरली बेसिस में टोटल एक्सपेंस था, जो क्वार्टरली बेसिस में 39,561 लाख यहाँ पर हो गया है। इनकम के साथ साथ यहाँ पर जो है शेयर के एक्सपेंस भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है 780 लाख था, ब्रैकेट में था यानी कि लॉस में था, अब जो है 4,097 लाख हो गया है, ब्रैकेट में है यानी कि अभी भी लॉस में है। आगे हम इस शेयर के अर्निंग पर शेयर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 44 पैसे इस शेयर का ईयरली बेसिस में अर्निंग था, ब्रैकेट में है यानी लॉस में है, अब जो है 2.28 हो गया है, ब्रैकेट में है यानी कि अभी भी लॉस में है। ऑल ओवर हम देख सकते हैं शेयर के रिजल्ट यहाँ पर अच्छे नहीं रहे हैं। इस मंथ तक का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर का मैक्सिमम टारगेट है वैसे तो अराउंड 100 प्लस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ये शेयर है और आप इस शेयर को यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहते हैं तो अपने ओन रिस्क में इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। और वैसे तो फिलहाल के लिए अभी इस शेयर को सेल करना चाहे तो यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न्स और रिजल्ट इस शेयर के दोनों ही यहाँ पर अच्छे नहीं रहे हैं। तो इस शेयर को यहाँ पर सेल करना चाहे तो यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं।